नन्हे फनकार के ऊपर क्रियाकलाप है जो उसके प्रश्न उत्तर में संज्ञा से क्रिया छांट के लिखने के लिए कहा गया है। जैसे बहाव में क्रिया शब्द है बह, कटाव में क्रिया शब्द है कट, पड़ाव में क्रिया शब्द है पढ़, तो उसी पे क्रियाकलाप बनाया गया है एक मेरे द्वारा। इसमें मैंने शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करी है। बच्चों को पहले पांच पांच के समूह में बांट लेंगे, उसके बाद ये कुछ लिफाफे तैयार करे गए हैं। मैंने लिफाफों के अंदर पर्चियां रखी हैं, पर्चियों में मैंने कुछ पर्चियों में काम वाले शब्द लिख दिए हैं और कुछ पर्चियों में संज्ञा शब्द लिखा है, है ना। आप देख सकते हैं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ऐसे करके लिख दिए हैं। बच्चों को बोला जाएगा कि आप काम वाले शब्द को चिन्हित करें, सही का टिक लगाएं, और जो नाम वाले शब्द हैं या विशेषण है उनमें वो गलत का निशान लगा देंगे। फिर बच्चों को समूह में से ही बच्चों को बुलाया जाएगा एक एक करके, और ये काम वाले शब्द में बच्चे जो है अभिनय करेंगे। और इसको और अच्छा मनोरंजक बनाना है तो बच्चे शाम पट में इनको अलग से लिख सकते हैं और इनकी इनका चित्र भी बना सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे इसको पहचाने, दूसरे समूह के बच्चे, कि ये जो सामने वाला बच्चा है वो किस काम वाले शब्द पे क्रिया कर रहा है, अभिनय कर रहा है, और या उसने कौन सा काम वाले शब्द की चित्र बनाना है। और इसको और अच्छा बनाना है तो हम कुछ खाली पर्चियाँ दे देंगे बच्चों को। बच्चे या तो पाठ से छांट कर, नन्ना फनकार के पाठ से छांट कर क्रिया वाले शब्द लिख देंगे इनमें, और समूह में आदान प्रदान करवा सकते हैं। वो बता सकते हैं कि फिर समूह में आदान प्रदान करने पे वो चिन्ह लगा लेंगे कि कौन सा काम वाला शब्द है, कौन से नाम वाले शब्द है, नाम वाले शब्द पे गलत लगा लेंगे, सर्वनाम जो है उनमें गलत लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्चियाँ फिर खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे काम वाले शब्द, नाम वाले शब्द और बाकी विशेषण वगैरह मैंने सब इनमें लिख दिए हैं अलग अलग, और बच्चे कैसे करके इनमें करेंगे। और इसको और रोचक बनाना है या और इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं इस क्रियाकलाप को, तो आप इसी क्रियाकलाप से वर्गीकरण सिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चों को आप इसी क्रियाकलाप से संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम का आगे सिखा सकते हैं कि कैसे बच्चे इनमें भी वर्गीकरण करना सीखें। तो इस क्रिया को ज़रूर अपनी कक्षा में कराएं।